हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के जुब्बल तहसील के तहत सुंडली गांव के रहने वाले वेदांत धौटा ने जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। 8 से 14 जुलाई तक चली इस प्रतियोगिता में वेदांत ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए कुल खेले 5 मुकाबलों में से 4 एक तरफा अपने नाम किए। 81 प्लस कैटेगरी में वेदांत ने दूसरी बार नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। उन्होंने जीत को लेकर बेहद खुशी जताई है और इसका श्रेय अपने कोच और बॉक्सिंग फेडरेशन को दिया है। इसके अलावा उन्होंने युवाओं को भी खेल से जुड़ने का संदेश दिया। क्या बोले वेदांत, सुनिए। बहुत खुशी हो रही है, मैंने सिल्वर मेडल लिया है नेशनल में। ये सारा क्रेडिट मेरे दोनों कोचेस को, दिनेश सर को और संजीत सर को जाता है, और पूरी बॉक्सिंग फेडरेशन को जाता है। भंडारी सर को जाता है जो हमारे बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी जनरल सुरेंद्र शांडिल जी को जाता है, सबको। मतलब सबका साथ रहा, सबका सहयोग रहा मुझे। मतलब आगे सर ने बहुत बूस्टअप किया। सर का हमेशा से ये था कि मतलब पिछले साल भी मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेली थी लेकिन उसमें मेरी पार्टिसिपेशन ही रही थी, मैं हार गया था। इस बार मतलब मेडल आ गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। इंदिरा गांधी खेल परिसर में वेदांत के कोच रहे दिनेश ने उनकी इस उपलब्धि को लेकर क्या कहा, सुनिए। दिनेश, बॉक्सिंग कोच, इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला। ये प्रतियोगिता 7 से 14 जुलाई अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में हुई थी, तो इसमें हमारे हिमाचल के 12 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। हमारी पूरी टीम वहां गई थी जिसमें हमारे इंदिरा गांधी खेल परिसर के 2 खिलाड़ी वेदांत तोटा, आयुष चौहान, 2 लड़के थे जिसमें वेदांत तोटा ने 81 प्लस केजी में 5 मुकाबले खेले जिसमें से 4 मुकाबले इन्होंने एक तरफे जीते। अभी ये बच्चा इतना सिंसियर है, सुबह शाम को जब ट्रेनिंग के लिए आता, कई बार तो इसके, ये लड़का न्यू शिमला रहता है, बस में मैं भी ट्रेवल करता, कई बार तो ये सोते सोते ही शाम को वापस जाता था। मतलब ये फिर भी इसने, अगर अगले दिन इसने खूब काम किया तो दूसरे दिन आना है। कुछ एक बच्चे ऐसे भी हैं हमारे पास जो बच्चे एक दिन आएंगे फिर 2 दिन नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा मेरा यही मानना है अगर बच्चा मेहनत करेगा तो आगे निकलेगा। वेदांत की मां मंजू धौटा ने कहा कि प्रशिक्षकों ने दिन रात मेहनत करवाई और बच्चे ने भी लगन से ये मुकाम हासिल किया है। क्या बोली वेदांत की मां, सुनिए। सर, मेरा नाम मंजू धौटा है। सर, अच्छा, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे ने इतने कम टाइम में मतलब एक मुकाम हासिल किया हुआ है। चलो नेशनल में गोल्ड नहीं आया, सिल्वर आया, बाकी जो यहाँ के कोचेज है उन्होंने रात दिन मेहनत करवाई सर। बाकी इसको जो ज्वाइनिंग है, 1 साल 3-4 महीने हुए बॉक्सिंग को ज्वाइन करते हुए। बाकी सर, ये खुद एक स्पोर्ट्स फैमिली से है, बाकी बॉक्सिंग का तो पहला ही खिलाड़ी है हमारी फैमिली से। वॉलीबॉल के सब है इंटरनेशनल प्लेयर, इसकी बुआ इंटरनेशनल प्लेयर है, दादू इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं। तो ये होता है कि सर बैकग्राउंड अच्छा है फैमिली का तो आगे बच्चों को भी सपोर्ट करते हैं। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।